हेलो तुला राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 से 15 अगस्त तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, अपने आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, आपके रिश्ते में क्या बदलाव आ सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। आपको जो गाइडेंस आपके लिए अच्छी लगती है, आप सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन जिसके भी बारे में आप जानना चाहते हैं, कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें, उस पार्टनर को याद करें, उसका नाम लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पार्टनर की, तुला राशि के पार्टनर की करंट फीलिंग्स अभी तुला राशि के लिए क्या है। तुला राशि के पार्टनर की करंट फीलिंग्स अभी तुला राशि के लिए क्या है। तुला राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। तुला राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। ओके, तुला राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स हम देखेंगे। सबसे पहले तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ और फिफ्थ चक्रा का कार्ड है, जो कि यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके पार्टनर अभी तक आपको उनके इमोशनल, अपने मन की बातें नहीं कह पाए हैं। बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर से रुक जाते हैं और कह नहीं पाते हैं। ये अभी की सिचुएशन जो मैं देख पा रही हूँ, उसमें वो अब सोच कर तैयार है कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे अपने दिल की हर एक बात अपने अपने पार्टनर को कहनी है, उनसे शेयर करनी है, उनको बताना है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपसे क्या चाहते हैं, कैसा रिश्ता आपसे चाहते हैं। सो वो अपने दिल की हर बात आपसे कहना चाहते हैं। हो सकता है अभी तक आपका ये रिश्ता इतना मजबूत नहीं बना है जिसमें कि आप अपने आपके पार्टनर अपने दिल की बात या आप अपने दिल की बात अपने पार्टनर से कह सकें, लेकिन कहीं ना कहीं एक कनेक्शन ज़रूर आप दोनों फील करते हो, एक दिल का रिश्ता ज़रूर मुझे यहाँ पर दिखता है कि कहीं ना कहीं वो रिश्ता आपको और आपके पार्टनर को मतलब कि जोड़ के रखा हुआ है, वो टूटने नहीं देता है आप दोनों को। यहाँ पर ये कार्ड मुझे ये भी कहता है कि आपके पार्टनर अभी ऐसा हो चुका है कि वो आपको एक अपना अच्छा दोस्त समझने लग गए हैं। अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं। तो हो सकता है, देखते हैं 1 से 15 अगस्त तक वो आपसे क्या कहते हैं। अभी की करंट फीलिंग में आपकी देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आप भी डर रहे हो अपने दिल की बात कहने से। आपने भी अभी अपने दिल की बात शेयर नहीं की है अपने पार्टनर को, आप सिर्फ उसको भाप रहे हो। कहते हैं ना कि थोड़ा टाइम किसी के साथ रहना और उसे समझना, भापना मीन समझना। सो अभी आप भी उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप दिल से कनेक्ट नहीं हुए हो। आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। मतलब ओवरऑल मैं ये कहूँगी, आप दोनों श्योर नहीं हो अपने इस रिश्ते के आगे फ्यूचर को लेकर, लेकिन आज के जो मैं करंट सिचुएशन देख रही हूँ, उसमें आप दोनों एक दूसरे के से दिल से कनेक्ट है, दिल से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा भी है, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1 से 15 अगस्त तक क्या रहने वाला है। तुला राशि 1 से 15 अगस्त तक आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। 1 से 15 अगस्त तक आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या होगी। द हाई प्रिस्टेस फिर से छुपाएंगे, किंग ऑफ स्वॉर्ड, ओके, द टेम्परेंस, ठीक है। आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या होगी। तुला राशि आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या होगी। तीनों कार्ड मतलब बहुत मेजर अरकाना कार्ड यहाँ पर आए हैं, तो मैं कहूँगी कि ये जो रिश्ता है, ये कहीं ना कहीं आपका भाग्य है, ये बदलने वाला नहीं है। जैसा ये रिश्ता आया है वैसा ही रहने वाला है, और बहुत लॉन्ग टर्म का भी ये रिश्ता हो सकता है, ये रिश्ता शादी तक भी जा सकता है। आपके पार्टनर की जो भी दिल की बातें हैं, जो अपने इमोशंस उन्होंने छुपा के रखे हैं, जो वो अभी तक कह नहीं पाए थे, जो उनके इंट्यूशंस, बहुत इंट्यूटिव भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो भी उनका मन कह रहा है, जो भी उनकी इंट्यूशन है, शायद उनको कहना नहीं आता है।
अगर वो बात भी करते हैं तो शायद ऐसा लगता है आपको कि यार कुछ गलत ना कह दे, मतलब उनको डर लगता है इस बात का कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए, क्योंकि शायद वो एक्सप्रेसिव नहीं है बहुत ज़्यादा, उन्हें कहना नहीं आता अपने दिल की बात, इसलिए वो जो भी होगा देखना वो किस तरह आपको कहने वाले हैं, बहुत ही सटीक लैंग्वेज में आपको आके बोलने वाले हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए ऐसा सोचता हूँ या सोचती हूँ और मैं ऐसा फील करता हूँ या करती हूँ और तुम क्या करते हो बता दो मुझे, तो इस तरह वो आपको बोलने वाले हैं। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे कहता है कि डेफिनेटली आपके पार्टनर ये 1 से 15 अगस्त के बीच में कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जिसमें कि आपको लगेगा कि ये रिश्ता अब बरकरार रहने वाला है, क्योंकि सारे मेजर अरकाना कार्ड है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि अगर जो रिश्ता आप अभी इन 15 दिनों में बनाओगे वो टिका हुआ रहेगा, लॉन्ग टर्म तक रहेगा। अगर ये ही दूसरे कार्ड्स आते तो मैं कह सकती थी कि फिर से बदलाव आ सकते हैं, लेकिन आपका जो ये रिश्ता है वो टिका हुआ रहने वाला है। बहुत ही बैलेंस रखोगे आप इस रिश्ते को, इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से अपनी बात शेयर कर सकते हो, और मैं ये भी कहूँगी कि हाँ आप कुछ तो एक निर्णय पे आओगे कि मुझे इस रिश्ते को इस तरह रखना है, आप और आपके पार्टनर दोनों ही डिसाइड करने वाले हो कि अब इस रिश्ते को हमें इस तरह लेकर जाना है, इस तरह रखना है। सो बैलेंस लग रहा है, बहुत लॉन्ग टर्म ये रिश्ता मुझे दिख रहा है, और मैं ये भी कहूँगी कि आप दोनों का ये रिश्ते को डिवाइन का आशीर्वाद है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। आपकी फीलिंग्स इन 15 दिनों में मुझे ऐसी लग रही है कि यस आप अपने आप को कंप्लीट फील करने वाले हैं, आपको लगेगा कि यस यही वो पार्टनर है जिसके साथ मैं मेरी लाइफ अच्छी है, स्टेबल है। और ये मैं ये भी कहूँगी कि अब आपको ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों की लाइफ में ऐसे पर्सन्स आए हैं जो कि आपको धोखा देकर गए हैं, या जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं होता है किसी रिश्ते पे, इमोशंस पे। सो ये रिश्ता जो है अभी तक, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक शादी की उस पे आ जाएगा, मैं ये तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ आप बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स आप बन सकते हो इन 15 दिनों में, जो कि लॉन्ग टर्म तक आप रहने वाले हो। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं हम। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि शायद आप दोनों का एक मैसेज और मिल रहा है कि शायद आप दोनों को ये एहसास हो जाए, रियलाइज़ हो जाए कि हमारे रिश्ता शादी तक नहीं जा सकता, कहीं ना कहीं मन में आप रियलाइज़ कर लें, तो आप दोनों ही ये बात दिल से नहीं निकालोगे, आप सिर्फ एक अच्छे दोस्त की बात रखने वाले हो यहाँ पर, जो आप बन भी जाओगे। ठीक है, तुला राशि देखते हैं कि आने वाले 15 दिन 1 से 15 अगस्त तक कैसा रहने वाला है आपकी लव लाइफ। वाव, क्रिएटिविटी, पॉसिबिलिटीज, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं। अलोननेस, उफ, पॉलिटिक्स एंड टर्निंग इन, ओके यहाँ पॉलिटिक्स क्यों आया है चलिए देख लेते हैं। जब दोनों में से किसी एक को रियलाइज हो जाएगा कि भाई हमारी आगे नहीं बन सकती, तो पता है क्या होता है कि आप दोनों में से दोनों ही आप इतने स्ट्रांग हो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो, आप दोनों प्रैक्टिकल हो, समझदार हो, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों ही इस बात को अपने मन में ही दबा के रख लोगे और एक फेक मास्क मुंह पे लगा लोगे कि भैया हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना, तो मुझे यहाँ पर वो चीज़ नज़र आ रही है कि नहीं तुम तो हमेशा मेरी लाइफ में रहने ही वाली हो या रहने ही वाले हो। और क्रिएटिविटी कार्ड मुझे यहाँ पर कुछ अनमैरिड लोगों के लिए दिखा रहा है कि जो भी अनमैरिड है वो अगर वो शादी के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली इन 15 दिनों में कोई अच्छा रिश्ता आता हुआ भी नज़र आ रहा है, आपकी शादी के स्ट्रॉन्ग योग बनते हैं। और मैरिड के लिए मैं ये कहूँगी कि लाइफ में अगर आपको ऐसा लगता है कि पॉजिटिविटी नहीं है तो खुद क्रिएट करो, आप ही ने वो नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करके रखा हुआ है, तो कोशिश करें पॉजिटिविटी लेकर आए। और ओवरऑल मैं ये देख पा रही हूँ कि आप एक सही दिशा में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो इन 15 दिनों में अपनी लव लाइफ की, और बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ, समझदारी के साथ आप इस रिश्ते को जो नाम देना चाहोगे वो नाम दे पाओगे। ठीक है, देख लेते हैं क्या गाइडेंस इस रिश्ते के लिए आपके लिए। यस, सेल्फ वर्थ, परफेक्शन और इम्पास, यस। देखिए कभी कभी क्या होता है, या तो कोई इंसान रिश्ता रखता ही नहीं है, और अगर रखना है तो पूरी तरह से रखता है, अगर कोई अच्छा दोस्त बनना चाहे तो वो नहीं बनता है। सो खुद ही आप डिसाइड करते हो कि लाइफ में आपको कहाँ तक पहुँचना है।
अगर आपको अपनी सेल्फ वैल्यू पता है, आपको पता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है, तो पता है आप लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें अचीव कर लेते हैं। कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो एक ही पर्सन के पीछे अपनी सेल्फ वैल्यू को भी खो देते हैं। उनको समझ ही नहीं आता है कि वो क्या करे जा रहे हैं, वो कितना रोए जा रहे हैं एक ही पर्सन के लिए। इतने इमोशंस, इतनी फीलिंग्स लेकर आप कैसे जी सकते हैं? तो यहाँ पर आपको कार्ड्स गाइड कर रहे हैं कि चाहे कैसा भी रिश्ता हो, कैसी भी सिचुएशन है, अपनी वैल्यू को मत खोना। ठीक है, लाइफ में आपको वो ही देती है जो आपके लिए परफेक्ट होता है, तो कोशिश करें उसके लिए ग्रेटिट्यूड दें, थैंक्स करें, और जो मिल रहा है ना उसको दिल से एक्सेप्ट करें, अपने रास्ते खुद ना रोकें। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप खुद चीज़ों को लेते ही नहीं हो। कोई आता है पॉजिटिव इंसान आपकी लाइफ में, कहता है कि मैं अच्छा दोस्त बन जाऊँ, तो आप उसे नहीं एक्सेप्ट करोगे। आपको लगेगा अरे क्यों चाहिए, या तो अच्छा ही चाहिए, बहुत अच्छा चाहिए, या बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ऐसा ना करें, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है लाइफ में। जैसे जैसे हम लोगों से जुड़ते हैं, हमें पता चलता है कि कौन कैसा है, हमें एक्सपीरियंस मिलता है, और फिर उनमें से कुछ लोग हमारी लाइफ में परमानेंट रहते हैं। तो ठीक है, देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पर क्लियर योर सेल्फ, मैंने पहले भी कहा कि अगर आप नेगेटिव थॉट्स से परेशान हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो अपने आप की क्लींजिंग ज़रूर करें। इसके लिए आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, खुद की हीलिंग कर सकते हैं, सेवन चक्रा हीलिंग कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी कोई भी वीडियो लगा कर आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं सेवन चक्रा की, और सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, अपनी नज़र उतरवा सकते हैं जिससे कि आपको अच्छा फील हो। प्लेनेट पोजिशन मार्स, ओके, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं आप लोग अभी। ओके, आपकी एनर्जी कहती है कि आपको इंस्टेंट चीज़ चाहिए, आपको ऐसा है कि अभी के अभी चीज़ चाहिए। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आप फील कर रहे हो, और कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जी ऐसी भी दिख रही है कि मतलब आप खोना नहीं चाहते। जियो, जो इंसान मेरा है ना, वो मेरा ही होके रहे हमेशा, वो वाली एनर्जी है। तो इस तरह आप किसी को बांध के नहीं रख सकते, बाउंड नहीं हो सक बाउंड नहीं कर सकते किसी को। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपनी एनर्जी को पहचानो, थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश करो, या थोड़े से नेगेटिव आप मुझे होते हुए नज़र आते हो। कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिलती तो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हो, तो वो नेगेटिव मत बनो, थोड़ा पॉजिटिव रहो, मन के गुस्से को शांत करो। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के हिडन मैसेजेस आपके लिए क्या है। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ फैमिली इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं, जो कि आपके पार्टनर भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कुछ ऐसे फैमिली इश्यूज़ है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे शायद। तो आपके पार्टनर यहाँ कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे से एक कनेक्शन फील होता है, शायद हमारा कोई पास्ट लाइफ का कर्मा है जिससे कि जिसकी वजह से हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। मैं तुमसे बहुत सच्चा प्यार करती हूँ या करता हूँ, मैं वो एक इंसान हूँ जो कि तुम्हारा पार्टनर बनने के लिए बन सकता हूँ, और बहुत ज़्यादा पैशन भी मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इश्यूज़ है हम मेरी लाइफ के, या फिर तुम्हारी लाइफ के, या फिर कोई ऐसा फ्यूचर की हमारी फैमिली को लेकर कोई इशू हो सकते हैं जिसकी वजह से मैं अभी स्टक हूँ। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग तुला राशि 1 से 15 अगस्त की। मैं उम्मीद करती हूँ आपको गाइडेंस मिली होगी, उसे ज़रूर फॉलो करिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।